मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, इन टुडेज क्लास वी विल सॉल्व सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम फ्रॉम फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। सो द फर्स्ट न्यूमेरिकल इज द मास ऑफ अ वुडन ब्लॉक इज 200 ग्राम एंड वॉल्यूम इज 250 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द डेंसिटी ऑफ वुडन ब्लॉक इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड किलोग्राम पर मीटर क्यूब। स्टूडेंट, इन दिस क्वेश्चन मास इज 200 ग्राम एंड वॉल्यूम इज 250 सेंटीमीटर क्यूब एंड वी हैव टू फाइंड आउट डेंसिटी। स्टूडेंट, एज वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी इक्वल टू मास डिवाइड बाई वॉल्यूम। हेयर मास इज 200 एंड वॉल्यूम इज 250। आफ्टर डिवाइडिंग वी गेट 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो द डेंसिटी ऑफ वुडन ब्लॉक इज 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नाउ द डेंसिटी ऑफ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। स्टूडेंट, एज वी नो दैट 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सो 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 0.8 इंटू 1000। आफ्टर मल्टीप्लाइंग वी गेट 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सो द डेंसिटी ऑफ वुडन ब्लॉक इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज 800। स्टूडेंट, न्यूमेरिकल नंबर सेकंड, द डेंसिटी ऑफ मरकरी इज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द मास ऑफ 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द मरकरी। स्टूडेंट, इन दिस क्वेश्चन डेंसिटी इज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड वॉल्यूम इज 25 सेंटीमीटर क्यूब एंड वी हैव टू फाइंड आउट मास। द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी equal to mass divided by volume and the formula of mass equal to density into volume. Here density is 13.6 and volume is 25. After multiplying we get 340 gram. So the mass of the mercury is 340 gram. Student, numerical number third, a silver block has mass 200 gram and its density is 10.3 gram per centimeter cube. Find the volume of the silver block. Student, in this question mass is 200 gram and density is 10.3 gram per centimeter cube and we have to find out volume. And the formula of density equal to mass divided by volume or volume equal to mass divided by density. Here mass is 200 and density is 10.3. After dividing we get 19.42 centimeter cube. So the volume of the silver block is 19.42 centimeter cube. Student, numerical number 4, a horse runs a distance of 1200 meter in 3 minutes 20 seconds. What is the speed of horse? Student, in this question
डिस्टेंस इज 1200 meter एंड टाइम इज 3 मिनट एंड 20 सेकेंड. फर्स्टली वी विल कन्वर्ट 3 मिनट इंटू सेकेंड बिकॉज द यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड इन एसआई सिस्टम. सो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड. सो 3 मिनट इक्वल टू 3 into 60 प्लस 20 सेकेंड. आफ्टर मल्टीप्लाइंग 180 प्लस 20 सेकेंड आफ्टर एडिंग वी गेट 200 सेकेंड एंड वी हैव टू फाइंड आउट स्पीड. स्टूडेंट एज वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. हियर डिस्टेंस इज 1200 एंड टाइम इज 200. आफ्टर डिवाइडिंग वी गेट 6 meter per second. सो द स्पीड ऑफ हॉर्स इज 6 meter per second. नाउ स्टूडेंट न्यूमेरिकल नंबर 5. अ कार इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 15 meter per second. इन हाउ मच टाइम इट विल कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1.2 किलोमीटर. स्टूडेंट इन दिस क्वेश्चन स्पीड इज 15 meter per second एंड डिस्टेंस इज 1.2 किलोमीटर. स्टूडेंट फर्स्टली वी विल कन्वर्ट किलोमीटर इनटू मीटर बिकॉज द यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड. सो किलोमीटर को किसमें कन्वर्ट कर देंगे? मीटर में. स्टूडेंट एज वी नो दैट वन किलोमीटर इक्वल टू 1000 meter. सो 1.2 किलोमीटर इक्वल टू 1.2 into 1000 meter. आफ्टर मल्टीप्लाइंग वी गेट 1200 meter. सो डिस्टेंस इज 1200 meter एंड वी हैव टू फाइंड आउट टाइम. द फॉर्मूला ऑफ स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम और टाइम इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड. हियर डिस्टेंस इज 1200 एंड स्पीड इज 15. आफ्टर डिवाइडिंग वी गेट 80 सेकेंड. सो द टाइम इज 80 सेकेंड. स्टूडेंट न्यूमेरिकल नंबर 6. अ कार ट्रेवल्स 20 किलोमीटर इन 20 मिनट. फाइंड द स्पीड ऑफ कार किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड. स्टूडेंट इन दिस क्वेश्चन डिस्टेंस इज 20 किलोमीटर एंड टाइम इज 20 मिनट एंड वी हैव टू फाइंड आउट स्पीड इन किलोमीटर पर आवर. सो फर्स्टली वी विल कन्वर्ट मिनट इनटू आवर. स्टूडेंट एज वी नो दैट 1 मिनट इक्वल टू 1/60 hour एंड 20 मिनट equal to 20 divided by 60 hour and we have to find out speed. The formula of speed equal to distance divided by time. Here distance is 20 and time is 20 divided by 60. After solving we get 60 kilometer per hour. So the speed of car in kilometer per hour is 60.
Now, the speed of car in meter per second. Student, firstly we will convert kilometer into meter. So, you know 1 kilometer equal to 1000 meter. So, 20 kilometer equal to 20,000 meter. And 20 minute is 20 minute converted to second. So, as we know that 1 minute equal to 60 seconds. So 20 minute equal to 20 into 60. After multiplying, we get 1200 seconds. Now we will apply the formula of speed equal to distance divided by time. Here distance is 20,000. And time is 1200. After dividing, we get 16.67 meter per second. So the speed of car in meter per second is 16.67. So student, with this numerical, today's class is over. Thank you.